एक बड़े इंसान की सबसे बड़ी चीज उसकी आजजी होनी चाहिए। असल नमाज दिल और रूह का चुना है। बसारत को अगर हिकमत के साथ जोड़ दिया जाए तो बसीरत बन जाती है। अल्लाह के बाद माफ करने की सिफत माँ बाप में होती है। अपने आप को हर लिहाज से अपने वालदैन के आगे सरेंडर कर दें। खुदा गुनाह से पलट कर आने वालों को आगे बढ़कर अपनी रहमत में ले लेता है। अल्लाह माफी मांगने वालों को अपना दोस्त रखता है। खुदा से बेहतर ताल्लुक बनाने के लिए उसके बंदों से ताल्लुक बेहतर करना होगा। खुदा कभी अपने बंदों से गाफिल नहीं होता। वीरान दिलों को खुदा की याद से आबाद किया जा सकता है। इंसान जब तमाम हदूद तजावज कर जाता है तो अल्लाह उसे अपनी याद से गाफिल कर देता है। सब साथ खत्म हो सकते हैं मगर खुदा कभी साथ नहीं छोड़ता। खुदा सुबह शाम अनफुस व आफाक में अपनी निशानियां दिखाता है। खुदा को सही तौर मानने वाले मुतकब्बर नहीं होते। कामयाबी के मौके जिंदगी बार बार नहीं देती। हम वाक़े की तलाश करते रहें ये कभी खत्म नहीं होते। कामयाबी की छत पर चढ़ने के लिए मेहनत का जीना चढ़ना पड़ता है। मंजिल को पाने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करना होगा। ये दुनिया कोशिश मेहनत सलाहियत हुनर और तदाबीर के असूलों पर बनी है। यहाँ आराम मुमकिन नहीं। कामयाबी अक्सर नाकामी के रास्ते से होकर मिला करती है।